वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो से मैं आपको बताऊंगा कि ओल्ड मोगलम कैसे पीना है। फ्रेंड्स, जब जब मैं ना ये बताने का कोशिश किया मेरा फ्रेंड्स को या मेरा सराउंडिंग्स को, तब तब मुझे ना भरपूर गाली मिली। मतलब फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार क्या तुझसे सीखूंगा कि ओल्ड मोंग कैसे पीना है। जी हाँ, ये तो सच है कि ये इंडिया का एक इमोशन है। ओल्ड मोंग एक ऐसा जगह बनाया है इंडिया में कि यार इसके बारे में क्या ही कहना। बट इसके साथ साथ एक चीज आपने नोटिस किया कि क्यों ओल्ड मोंग इतना प्यारा लगता है सबको, इसके पीछे एक सीक्रेट रेसिपी। और ये रेसिपी क्या है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए आपका जो ओल्ड मोंग है इसको कैसे पियेंगे ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। आपको जो मिलाना है आप मिलाकर पीजिए, ओवरऑल आपको एक्सपीरियंस बेस्ट होना चाहिए, यही मकसद है सबका। तो इसमें मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूं, बट क्या वो आप जानते हैं इसके अंदर में जो रेसिपी है और उस रेसिपी को जानने के बाद क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसके साथ फिट हो सकता है, क्या इस ड्रिंक को और ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, शायद आप ये नहीं जानते। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं, अगर सच में आप नहीं जानते हैं तब ये वीडियो आपके लिए जायज है। आप देखिए, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। एंड मैं इस वीडियो का लास्ट में बताऊंगा व्हिच इज द परफेक्ट वे टू ड्रिंक दिस ब्रांड ओल्ड मोंग रम। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे पीते हैं ओल्ड मोंग रम। वेल, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ओल्ड मोंग में एक सीक्रेट रेसिपी है और वो रेसिपी शायद मोहन मैकिंस वाले ज़्यादा जानते होंगे, बट मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चला। देखिए, इंडिया में जो रम्स एक्चुअली बिकते हैं, ओल्ड मोंग समझ लो, मैकडाउल समझ लो, या हवाना क्लब या कैप्टन मॉर्गन, जो भी रम्स इंडिया में अवेलेबल है वो रम ना सिपिंग रम नहीं है। इसका मतलब आप कभी भी उसको नीट नहीं पी सकते हैं, क्योंकि दोज रम आर नॉट प्रीमियम रम। इंडिया में प्रीमियम रम मिलता ही नहीं है। रिसेंटली बकार्डी लॉन्च किया है कुछ एज्ड रम, वो प्रीमियम कैटेगरी में आता है, उसको आप सीप कर सकते हैं, मतलब नीट पी सकते हैं। तो मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इंडिया में जो रम मिलते हैं मोस्टली लोकल ब्रांड्स, बिल्कुल मत ट्राई कीजिए नीट, क्योंकि वो आपको एक घटिया एक्सपीरियंस देगा। तो ओल्ड मोंग के अंदर में क्या सीक्रेट रेसिपी है जो आपको जानना चाहिए और उसके बाद मिक्सिंग करना चाहिए। तो फिर मैं आपको बोल दूं कि ओल्ड मोंग रम के अंदर में एक अद्भुत टेस्ट होता है, वो है कैरमेल का। और ये कैरमेल बहुत अच्छा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ कंबाइन होता है। वो प्रोडक्ट क्या है मैं आपको बताऊंगा, बट पहले आपको वन बाई वन सिंपल तरीके बता देता हूं। सुनिए, जब भी आप ड्रिंक करते हैं, अगर आप डेली ड्रिंकर हैं, रोज पीते हैं, तब जाके आपका सजेशन ये है कि आप ओल्ड मोंग को सिंपली एक ग्लास में पोर कीजिए 60 या 30। एंड देन मैं थोड़ा सील को तोड़ता हूं। अच्छा, ये ना ये ओल्ड मोंग का सील तोड़ना बहुत मुश्किल है तोड़ना, मतलब खोलता ही नहीं है यार। देखो घूम रहा है, घूम जा रहा है, ये खुला। अरे यार, खोलने में आधा टाइम चला गया। अभी जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि 60 ml ओल्ड मोंग आप डाल दीजिए, 60 या 30 आपका पसंदीदा जो भी हो। ये 60 ml मैंने बाहर डाल दिया। और एक सिंपली एक लाइम स्लाइस आप दे दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रम में देना, क्योंकि इससे क्या होता है ये जो लेमन है या लाइम है ये ना अपना एरोमा को छोड़ता है, थोड़ा सा लेमनी बना देता है। और बाकी आपको क्या करना है, आपको पानी दे देना है। दिस इज द अल्टीमेट वे टू ड्रिंक एवरी डे। अगर आप रोज पीते हो, याद रखना कि आपका जो स्टैंडर्ड ड्रिंक होगा, मतलब पीने होंगे सिर्फ 90 ml, इसके बाद और 30 ml। इसको बोलते हैं मॉडरेट ड्रिंकिंग। डेली अगर पीते हैं तो यू नो 60 to 90 ml में ज़्यादातर चिपके रहिए, उसके ऊपर मत जाइए, तो वो मॉडरेट ड्रिंकिंग नहीं रहेगा, आप इंटॉक्सिकेटेड हो जाओगे। एनीवे, दिस इज द फर्स्ट ट्रिक। आप ऐसे अपना ड्रिंक को बना सकते हैं, कोई आइस मत दीजिए, सिंपल बनाइए। अगर आप चाहे तो आइस दे सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, बट नहीं दीजिएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि आइस हमेशा अनहेल्दी बना देता है। तो चलिए, ये बन गया फर्स्ट ड्रिंक। अब सेकेंड सजेशन, मान लीजिए आप डेली पीते हैं, तब जाके आपको क्या करना है, तो फिर मैं बताऊंगा कि
यार ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, मैं बता देता हूं कि क्या करना है। तो 60 ml आपको ओल्ड मॉन्ग देना है, सिंपल सा, और इसमें आप हॉट वाटर को पोर कर सकते हैं। चलो मैं आपके लिए एक ड्रिंक बना ही देता हूं, क्योंकि ये भी काफी इंटरेस्टिंग एक ड्रिंक है और ये वर्ल्ड वाइड बहुत चलता है और हम इंडियंस अक्सर इसको पीते हैं। दिस इज द हेल्दी वे, मतलब मैं आपको बोलूंगा कि चलो इसको मैं 30 ml डाला, ज्यादा वेस्टेज नहीं करूंगा। और याद रखिएगा जो अल्कोहल होते हैं इसमें लाइम स्लाइस देना बहुत जरूरी है, स्पेशली रम के साथ। तो मैंने एक लाइम स्लाइस दे दिया और अभी मैं हॉट वाटर पोर करने वाला हूँ। ये देखिए मैं ऑलरेडी हॉट वाटर बना के रखा था, तो मैं थोड़ा सा हॉट वाटर पोर कर दूंगा। देखिए अब ऐसे ये तो 30 ml है, अब पूरा ग्लास भरेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बाय द वे मैं, आपने नोटिस किया होगा कि मैं टॉल ग्लास में ये ड्रिंक दे रहा हूँ, क्योंकि रम थोड़ा टॉल ग्लास में पीने से अच्छा लगता है। नाउ इसमें आप एक चीज़ ट्विस्ट कर सकते हैं, वो है हनी। अगर आपके पास थोड़ा सा हनी है तो आप इसको थोड़ा सा दे सकते हैं, आपका जो रम ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस है उसको काफ़ी हद तक एलिवेट करता है ये थोड़ा सा एड ऑन। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा थोड़ा सा हनी दे दीजिए और थोड़ा सा स्टर कर लीजिए। और ये भी एक कमाल का ड्रिंक है अगर आप डेली रम पीते हैं तो। बाय द वे याद रखिएगा ये डेली ड्रिंकर्स के लिए, थोड़ा सा चेस कर ही लेता हूं। जय हो। नाउ थर्ड ट्रिक्स, और यहां पर मैं बोलूंगा अगर आप डेली ड्रिंक करते हैं तो आप अपना ओल्ड मॉन्ग में एपी फीस को इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग बना देता है आपका राम को। या अगर आप डेली ड्रिंक करते हैं तो आप सोडा से भी आपका ड्रिंक बना सकते हैं, बट आप अगर डेली पीते हैं तो इसको अवॉइड करना बेटर रहेगा। फ्रेंड्स एक चीज आपको ध्यान से समझना है कि रम बनता है शुगर केन का बाय प्रोडक्ट मोलासेस से। तो अक्सर हम लोगों के दिमाग में ये चलता है कि शायद यू नो रम शुगर पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं होगा या शायद मीठापन ऐड करेगा। साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि कभी कभी आपने नोटिस किए होंगे कि ये जो ओल्ड मॉन्ग रम है आपको थोड़ा पैलेट में मीठा भी लगता है। तो मैं पहले आपको बता दूँ कि कोई भी डिस्टिल्ड प्रोडक्ट, मान लीजिए विस्की, राम, जीन, वोडका, ब्रांडी, टकीला, ये सब डिस्टिल्ड प्रोडक्ट है, इसमें कभी भी शुगर नहीं रहता है या ये हार्मफुल नहीं है शुगर पेशेंट के लिए। शुगर पेशेंट के लिए ये हार्मफुल है, बट वो कैसे है उसके लिए मैं एक वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बट आप जो सोचते हैं कि शुगर ऐड करेगा ये गलत है। आपको ये मीठा क्यों लगता है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि जैसे ओल्ड मॉन्ग का जो बताऊंगा सीक्रेट रेसिपी के बाद मैं बताऊंगा, तो ओल्ड मॉन्ग बनने के बाद थोड़ा सा शुगर को ऐड किया जाता है एडिशनली डिस्टिलेशन के बाद। तो इसलिए आपको कभी कभी ये ओल्ड मॉन्ग थोड़ा मीठा लग सकता है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक अद्भुत और यूनिक टेक्निक जो अभी मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा सस्पेंस में रखता हूं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सप्ताह में एक दिन पीते हो या कभी कभार पीते हो तब जाके आप ओल्ड मॉन्ग के साथ कोक को इस्तेमाल कर सकते हो। जी हाँ, 60 ml ओल्ड मॉन्ग, 2 kg ऑफ आइस एंड फुल ऑफ कोक आप दे सकते हो। ये बेहतरीन एक ड्रिंक है। बट याद रखना कि अगर महीने में एक बार या सप्ताह में दो बार या ऐसा कुछ हो रहा है तब जाके। अच्छा, फिर आप क्या कर सकते हो, जी हाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, फिर आप सोडा से भी पी सकते हो। यहाँ पर भी सोडा रिकमेंडेड है। आप एक लेमन स्लाइस, 60 ml ओल्ड मॉन्ग एंड फुल ऑफ सोडा, और आप यह भी कर सकते हो कि हाफ सोडा एंड हाफ वाटर ओल्ड मॉन्ग 60 या 30 ml एंड एक लेमन स्लाइस, ये कर सकते हो। नाउ मैं आपको एक फाइनल सजेशन दूंगा जो अल्टीमेट है आपका ओल्ड मॉन्ग को पीने के लिए। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओल्ड मॉन्ग के अंदर में कैरमल है और ये कैरमल टेस्ट को एनहेंस करता है कोक, बट अक्सर हम लोग ओल्ड मॉन्ग के साथ भरपूर कोक मिला लेते हैं तो इसमें क्या होता है, हम लोग बहुत जल्दी इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हैं, क्योंकि कोक में भरपूर कार्बन डाइऑक्साइड रहता है जो हमारे ब्लड में बहुत जल्दी घुल मिल जाता है। तो फिर कोक का आनंद भी ले और ओल्ड मॉन्ग भी पिए तो फिर कैसे पिए। तो इसीलिए मैं आपको बोला कि मेरा ये फाइनल सजेशन है कि दिस इज द अल्टीमेट वन। तो क्या करना है, आपको 60 ml ओल्ड मॉन्ग डालना है, याद रखिएगा ड्रिंक मॉडरेटली, एंड अभी एक लाइम स्लाइस दे दीजिए। अभी मैं एक या दो आइस यूज करूंगा कि ये एक अल्टीमेट ड्रिंक बन रहा है ना, तो चलिए तो मैं दो आइस इसमें डाल देता हूं
आराम से, ओ माय गॉड ओल्ड मॉन्क छलक गया। अच्छा अभी क्या करना है, 100 ml कोक एंड 100 ml वाटर। कोक को आप 100 ml पोर करना है एंड रेस्ट वाटर। ये है द अल्टीमेट पेग ऑफ योर ओल्ड मॉन्क रम। जी हाँ, ऐसे बनाइए और पीकर देखिए। अगर सच में आपको अच्छा नहीं लगा तो भाई बारटेंडिंग छोड़ दूंगा, इतना बड़ा बात बोल दिया मैंने। और ये ना काफ़ी हद तक हेल्दी भी है और इसमें कैरमल का टेस्ट काफ़ी हद तक एनहेंस भी होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है ये ड्रिंक। तो याद रखिएगा, दिस इज द अल्टीमेट ड्रिंक। चलिए थोड़ा सा जय हो करते हैं। जय हो। बाय द वे, डोंट डू चीयर्स, डू जय हो। चीयर्स इट मीन्स इंटेंस टू ड्रिंक मोर, और जय हो तो इंडिया का वर्ड है। जय हो, मत ज्यादा पीना। अल्टीमेट, अल्टीमेट। सो वीडियो कैसा लगा? अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज फ्रेंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।